हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है आज हम फोटोशॉप में डंकी की जो पिक्चर है वो एडिट करेंगे। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर और डंकी की जो पिक्चर है वो एडिट करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले फोटोशॉप को ऑन कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी फोटोशॉप को ऑन कर लिया है और जो डंकी की जो पिक्चर है वो भी मैंने ऐड कर ली है। तो चलिए इसे ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं ये जो डंकी की जो पिक्चर है, अब हम आज इसे एडिट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कलर ग्रेडिंग करेंगे। तो कलर ग्रेडिंग करने के लिए सबसे हमने इस लेयर की कॉपी करनी है। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो इसके लेयर की कॉपी मिल गई। फिर शिफ्ट कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद आप सीधे जो है जो कैमरा रॉ फिल्टर की जो डिटेल्स है वो हमारे सामने शो हो गई है। ऐसे हमने इसकी कलर ग्रेडिंग करनी है। पिछली वीडियो में हमने मैनुअली जो कलर ग्रेडिंग थी वो कर ली थी और फिर आप उसके बाद जो है अलग से भी कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब एक तो आप यहाँ पर कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं खुद से और दूसरी जो है आप जो है खुद की प्री शेट भी बना सकते हैं। मतलब ये एक मैंने पिक्चर जो एडिट कर ली है इसकी और अब ये पिक्चर जो है इसकी मैंने प्री शेट बना ली है। तो इसके यहाँ पर लोड पर आप क्लिक करेंगे, इसे थ्री डॉट्स पर यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ से और लोड सेटिंग पर क्लिक करेंगे। या तो सकते हैं बहुत सारे जो प्री शेट हैं मैंने बना लिए, ब्राउन कंप्लीट डार्क या तो सकते ऑरेंज टाइप टून, ये देख सकते हैं बहुत सारे जो प्री शेट है। हम वन क्लिक पर जो है इसकी कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे ऑरेंज टाइप टून ये सेलेक्ट करता है, इसमें ओपन पर क्लिक करता है और एक ही क्लिक पर जो है ये पिक्चर जो है खुद ही खुद एडिट हो जाएंगी। या तो सकते हैं ये पिक्चर, इस पिक्चर की जो कलर ग्रेडिंग है खुद ही से हो गई है। तो इस तरह से आप जो है कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। और फिर यहाँ से आप देखते हैं सेव प्री शेट या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जो है सेव प्री शेट करेंगे या से डिफॉल्ट या एक्सेप्ट नाम वगैरह इसे दे देंगे और सेव करेंगे। तो फिर जब आप पिक्चर एडिट करेंगे तो वन क्लिक पर जो है आप इस पिक्चर को एडिट कर सकेंगे। तो आप देखिए इस पिक्चर की जो है ये कलर ग्रेडिंग हो गई है। तो फिर भी थोड़े बहुत से एडजस्टमेंट जो है वो हम कर लेते हैं, जैसे ये जो एक्सपोजर है थोड़ा बहुत ज़्यादा इसे कम कर लेते हैं, कॉन्ट्रास्ट जो है इसे बढ़ा लेते हैं, यहाँ से टेक्सचर भी बढ़ा लेते हैं, क्लैरिटी भी थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। और फिर यहाँ से जो है कलर्स में हम ब्लू टाइप टू जो है इसे ऐड कर लेंगे। ओके कर लेना है। तो आप देखते हैं हमारी जो पिक्चर है जो एडिट कलर ग्रेडिंग हो गई है इसकी, इसके बिफोर और ये है आफ्टर। तो इस तरह से ये होने के बाद हम जो है लेयर की एक और कॉपी लेंगे, कंट्रोल जे फिर से प्रेस करेंगे, यहाँ से कंट्रोल जे फिर से प्रेस करने के बाद शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट एक्स प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हम इसकी जो है ये बाल थोड़े से बढ़ा देंगे। तो बाल बढ़ाने से की फायदा होगा कि जो डंकी है ये कुछ अलग टाइप का दिखेगा। अभी आपको रिजल्ट शो होगा। तो फिल्टर लिखा गया और फर्स्ट चले जाना है, इसके लिए बाल है बढ़ाने हैं। इसके बाद है वो हमने बढ़ा लेने हैं। इस तरह से हम थोड़ा सा ऑरेंज टोन टाइप वो ऐड करेंगे। कैमरा रॉ फिल्टर पर हमने वापस चले जाना है और ये पर जो इफेक्ट है हम उस तरह से ये जो है ब्लू टाइप का इफेक्ट है वापस ऐड करेंगे।
इस तरह से हम डाइव ओके कर लेना है ऐसे हमने। अब वो जो स्टंग के बीच जो है हमने बैंक की टेक्स है वो ऐड कर लेना है, तो इस तरह करेंगे हमने ऐसे टेक्स पे चले जाना है और जैसे इस तरह ड्रैग कर लेना है और फिर टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद इस तरह हमने इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और प्रेस करके हमें जूम करना है। इस डेस्क की जो एडजस्टमेंट है वो हमने करनी है सही से, तो चलिए इसकी जो एडजस्टमेंट है वो कर लेते हैं यहाँ से। इस तरह से थोड़ा सा साइड फॉरवर्ड हम लगा लेते हैं, तो जो इसकी एडजस्टमेंट है इस तरह से हमने कर ली। मेरे ख्याल से ठीक है, जो अभी जो टंकी के लिए बहुत ज़्यादा इसकी ओपेसिटी जो हम थोड़ा सा कम कर लेंगे तो इसकी जो लुक है वो थोड़ा प्रोफेशनल सा दिखेगा, तो इसका लुक जो फिर है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखेगा। तो इस तरह से मेरे ख्याल से 68 तक जो है कर लिए मेरे ख्याल से। तो देख सकते हैं जो टेक्स्ट है वो भी ऐड हो गया, और जो अपना जो हमारा जो लोग है वो भी ऐड हम यहाँ से कर लेते हैं, तो चलिए इसे भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ से हम ड्रैग कर लेंगे यहाँ से और इस तरह से यहाँ पर आकर छोड़ लेंगे। इस तरह से हमने ड्रैग कर लेना है और यहाँ पर आकर छोड़ देना है, और इसकी जो ओपेसिटी है वो भी हम थोड़ा सा कम करेंगे, जो 90-91 तक जो है ये ठीक है मेरे ख्याल से। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होंगी, तो आज की वीडियो ये कल हम खत्म कर रहे थे और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।